भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 वर्ष पूर्ण होने पर देश भर में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 8 जून से 12 जून आइकॉनिक सप्ताह बैंक रोड स्थित भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य शाखा परिसर में कस्टमर आउटरीच मेगा ऋण मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल के द्वारा किया गया तथा शाखा प्रबंधक ने बुके एवं मोमेंटो देकर उनका स्वागत किया। सांसद ने विभिन्न बैंकों के स्टालों का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक सहित अन्य सभी बैंकों में मोदी सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं के अमलीजामा पहनाने में जी जान से जुटे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन समर्थ पोर्टल उपयोग में बहुत आसान है। उन्होंने कहा कि सभी बैंकों को अपने स्तर पर इसका व्यापक प्रचार प्रसार करना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक जनता इस पोर्टल के माध्यम से बैंकों से अपनी आवश्यकता अनुसार ऋण प्राप्त कर सके। उन्होंने कहा कि इस मेले में 350 लोगों को वितरित विभिन्न प्रकार के ऋण में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा कुल 75 करोड़ तथा अन्य बैंकों द्वारा 125 करोड़ के लिए ऋण स्वीकृत पत्र वितरित किए गए हैं। इस अवसर पर SBI के DGM संजीव कुमार, बैंक ऑफ बड़ौदा के क्षेत्र प्रमुख सर्वेश कुमार सिन्हा, बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक अमित रंजन सिंह, कोटक बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक राहुल सहाय, अमित गुप्ता, अभय श्रीवास्तव, योगेश टंडन सहित बैंक के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा, अनुरोध करूंगी कि सर को बुके दे करके सर का स्वागत, अतिथि का स्वागत करें। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज यहाँ पे इस गर्मी में भी यहाँ इतने देर से आज आए हुए हैं और बैठे हुए हैं, उन सब लोगों का स्वागत और उन लोगों को हम लोग धन्यवाद ही प्रेषित करते हैं कि आप इतने गर्मी में भी इस बीच में भी बैठे हुए हैं। आज का इस कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा आइकॉनिक वीक की जो शुरुआत की गई है जन समर्थन पोर्टल लॉन्च करके, उसके तहत ही क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। ये इस तरह के क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन हम लोग रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं, जिसका पर्पस ये होता है कि हम लोग जन समर्थन के लिए, जब लोगों तक अपने आप को पहुंचाने के लिए, सारे बैंक कर्मी अपने आप को पहुंचाने के लिए इस तरह का आयोजन करते हैं, जिसमें कि कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है कि बैंक जाएंगे तो फिर किस तरह का हमको ट्रीटमेंट दिया जाएगा, तो बैंक खुद ही आगे बढ़ करके इस तरह के प्रोग्राम का आयोजन करता है। और सारे बैंक कर्मी यहाँ पे अपना अपना स्टॉल भी लगाए हैं और अपने अपने प्रोडक्ट्स के बारे में उन जानकारी डिस्प्ले भी किए हैं। को बुलाना चाहूंगी जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के क्लेमेंट हैं, जो नॉमिनी हैं, डेथ क्लेम में उनको 2 लाख रुपए का महिला स्वयं सहायता समूह से दी है। अगले हमारा पंप HPCL से अपने पुराने काम को बेहतर करने के लिए या अपना नया काम खड़ा करने के लिए, मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं और ईश्वर से यह आशा व्यक्त करता हूं कि आप शीघ्र से अपने व्यावसायिक कार्य में सफल हों, जो ऋण आपने लिया है उसे वापस करें
अगला और बेहतर और बड़ा लिख करके अपने व्यवसाय को और भी समृद्ध बनाएं। ईश्वर से मेरी ऐसी प्रार्थना। मैं आभारी हूँ समस्त अधिकारियों का जिन्होंने इस प्रत्यक्ष रूप से जन सरोकार से जुटे हुए कार्यक्रम में मुझे अपने बीच में उपस्थित होने का अवसर दिया। इन कार्यक्रमों से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं पिछले 20-25 साल से सामाजिक जीवन जी रहा हूँ और हर रोज जब हम लोग नए नागरिक समूहों के बीच में आते हैं तो हर समूह कुछ न कुछ हम लोगों को सिखा करके जाता है। वो महिला जो 50,000 रुपये ऋण लेकर के काम करना चाहती है, या RCT की ये बहनें जो लाख लाख रुपए लेकर अपना काम खड़ा करेंगी, वो बच्चे जो बाहर पढ़ना चाहते हैं इसके लिए 40-45 लाख रुपए का लोन लेने का रिस्क ले रहे हैं, या जो भारत के अंदर पढ़ना चाहते हैं, आज ये सब कुछ एक नई परंपरा का द्योतक है। आज से 5-10 साल पहले यह सब कुछ सुनने में नहीं आता था। पैसे के अभाव से बहुत सारे बच्चे पढ़ नहीं पाते थे। आपके मन में बहुत सी कल्पनाएं होती थी, बहुत सी योग्यताएं होती थी, लेकिन धन एक महत्वपूर्ण संसाधन है जिसके तक आप पहुंच नहीं पाते थे, इसलिए आपकी प्रतिभा दबी रह जाती थी। तुम खुद ही चलाती हो या पहली बार चलाओगे? जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना है, हर उस नागरिक को जिसके अंदर थोड़ी सी उद्यमशीलता है और आगे बढ़ना चाहता है, धन की कमी से उसका विकास न रुके, वो न सिर्फ स्वयं कमाए बल्कि दूसरों को रोजगार देने की स्थिति में आए। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री शुरू से कहते थे हम नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनाना चाहते हैं। आज मैं इस मंच पे पूछ रहा था, कोई 5 आदमियों की नौकरी दे रहा है, कोई 10 आदमियों की नौकरी दे रहा है, किसी संस्थान में 20-25 आदमी काम कर रहे हैं, छोटी छोटी पूंजी से 5 लाख 10 लाख 20 लाख की पूंजी से हर आदमी 5-10-15-20-25 लोगों को नौकरियां दे रहा है। मोदी जी की रोजगार की यही अवधारणा थी और मैं आभारी हूँ बैंक के सभी सम्मानित पदाधिकारियों का, सभी मैनेजर्स का, जो मोदी जी के सपनों को साकार करने के लिए उनके साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। और यहाँ तक कि पहले ज़माने में जब होता था कि जब तक आपके पास गारंटी नहीं होगी ऋण नहीं मिलेगा, आज वो बिना सुरक्षा और गारंटी के नागरिकों को ऋण दे रहे हैं, जिससे कि देश के विकास की परिभाषा देश के नागरिकों के विकास की होती है। देश चंद लोगों के विकास से नहीं, देश सामान्य लोगों के विकास से जुटता है। और मुझे बहुत खुशी है, समाज के अत्यंत गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों ने ऐसी योजना का लाभ लिया है। मैं बैंक कर्मियों को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ।